नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। वट सावित्री का पूजा अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ महीना अमावस्या के दिन मनाया जाता है और कहते हैं कि महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। और जैसा कि आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी हम मेट्रो गली के बिरला मैदान में पहुंचे हैं, जहां पर वट सावित्री का पूजा मनाया जा रहा है। दो सालों में जब कोविड था तो ये पूजा इतनी अच्छे से नहीं मनाया जाता था, भीड़ नहीं होती थी, लेकिन आज काफ़ी संख्या में लोग हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएँ हैं, पंडित जी हैं जो पूजा करवा रहे हैं। और आइए वहीं आज हम महिलाएं से और पंडित जी से जानेंगे कि इस पूजा को करने की विधि क्या है और ये व्रत क्यों रखा जाता है, ये वट सावित्री का पूजा क्यों किया जाता है, इसका लाभ क्या है। लाभ इसका है, वट सावित्री व्रत का या सत्यवान एक जो था गरीब परिवार का था, सत्यवान जो है तपस्या में निकला, उसी समय माता पार्वती के द्वारा जो है सत्य सावित्री भी बहुत पुण्यवान थी और सत्य बोलने वाली थी, सत्य आचरण था, सत्य विचार था, धार्मिक पुरुष था। वह जमराज को प्रसन्न कर लिया, उसका पति का जो है उसका पति का मृत्यु लिखा हुआ था, मृत्यु हो गया, लेकिन सत्य सावित्री जो है माता सावित्री वह प्रसन्न होकर तपस्या करते हुए अपना पति को बचा लिया। हाँ, सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती स्त्री पूजा इसीलिए पूजा करती है। सत्य 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 सावित्री का पूजन करने से फल की प्राप्ति होती है, धन धान की आरोग्य होता है, आरोग्य रहता है और जो है अनेक प्रकार की व्याधियाँ जो है सब दूर होती है। पति ही परमेश्वर है, इसलिए पति को ही सेवा, सास ससुर का सेवा, माता पिता का सेवा ये करना बहुत जरूरी है। मत सती सावित्री का पूर्ण जीवन दान प्राप्त मिल गया, पति को लौटा लिया जमराजपुरी से। तो जैसा कि आपने सुना कि पंडित जी का क्या कुछ कहना है, कैसे इस पूजा को किया जाता है, इस पूजा को करने की विधि और लाभ क्या है, आइए वही हम महिलाएं से जानेंगे कि आप इस पूजा को क्यों करती है। सब कुछ करता है, इसलिए हम लोग भी शुरू से करते हैं, जब से अपना मैंने शादी हुआ तब से चल। क्या विधि है? वही कि पति के लिए अपने मन सही सलामत रहे। ऐसे करते सुबह से कैसे पूजा? ऐसे जैसे अपना भूखे प्यासे रहे, अपना नहाए धोए, जो भी पर प्रसादी है दान के सामान, सिंदूर बिंदी कपड़ा, जो जितना शक्ति है अपना दे दिए। आइए कुछ और महिलाओं से जानते हैं कि वो पूजा कर रही है और हम आपको अपने विजुअल के माध्यम से दिखा दें कि देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं जो पूजा कर रही है और अपने पति के लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए पूजा कर रही है। वहीं आइए हम इन महिलाएं से जानेंगे कि क्यों पूजा करते हैं आप लोग। ये अपने पति की लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा करते हैं। कैसे रहते हैं सुबह से, कैसे पूजा स्टार्ट होता है? सुबह उठने के बाद घर में जो पूजा वूजा होता है, घर में पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो वर पेड़ का पूजा किया जाता है और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया जाता है। कब से आपकी शादी कब हुई? प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर ही शादी हुई है। तो आपका पहला वट सावित्री का पूजा? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कैसे पूजा स्टार्ट? पहले पेड़ में पूजा किया गया, उसके बाद धागा घुमाकर पेड़ में, उसके बाद कथा सुनना। तो मतलब आपको विधि पता था या फिर आपको? नहीं नहीं, यहाँ पर आकर पता चला है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों में कितनी उत्साह है, पिछले दो सालों में जो उत्साह नहीं दिख रही थी और आज वही उत्साह दिख रही है। और आपको आपने देखा भी कि हमारे कैमरा के माध्यम से कि यहाँ पर काफ़ी महिलाएं की भीड़ है जो अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख रही है, ये वट सावित्री का पूजा कर रही है। और आपने देखा कि कैसे लोग पूजा कर रहे हैं, कैसे पेड़ में धागा बांध रहे हैं, ये बर का पेड़ है उसमें धागा बांध रहे हैं, किसी को सिंदूर टिक रहे हैं, यही सब पूजा की विधि। और आपने पंडित जी की बात को सुनी कि उन्होंने आपको बताया कि इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या है, ये पूजा क्यों किया जाता है, ये व्रत क्यों रखा जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।